हाँ जी, किदा हाल चाल सारिया दा। ते मैं अज निकल लगा फिर एक नवे सफर ते, जिदा मैं तुहानू पहले भी लेके जांदा अपने अलग अलग सफर दे उत्ते। ते अज मेरा लंबा सफर है, एथों मैं जा रहा दोहा कतर, दोहा कतर तो बाद मैं जा रहा अमेरिका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, और मैं तुहानू सारिया नू अपने नाल लैके चलदा। हर बार की तरह इस बार भी असीं करांगे फन, बहुत सारा ढेर सारा फन। उम्मीद है तुसीं मेरे नाल नाल चलोगे और इस सफर नू इंजॉय करोगे। सो आपां चलदे आं। साढ़े नाल एक वाकया हो गया, सानू पता ही नहीं असी लेट हो गए हैं, और पूरे 45 मिनट्स लेट हाँ असी एयरपोर्ट पर पहुँचने लई। हाले असी रोटी भी नहीं खाधी, तो रास्ते जो बारिश लगी सी, बारिश के नाल सानू थोड़े असी स्लो आए हैं, जाम लगा सी लंबा, वो करके तो होर साडा काम खराब हो गया। 7 घंटे पहला तुरे से जो कि साडा सिर्फ 5 घंटे का रास्ता है एयरपोर्ट पर पहुँचने लई। असी फिर जाम च फसे हुए हैं, गड्डी खड़ी आ, हाले असी रोटी खाने, तो असी रास्ते दे विच रुक गए हाँ रोटी खाने के लिए, पर लेट बहुत है गए हैं। क्विक आप रोटी खावे, क्विक निकलेंगे। असी पहुँच गया एयरपोर्ट ते जी, मैनू नींद बहुत आई हुई है हुण, बस आ 12:30 हो गए रात दे, मैं नॉर्मली 8 बजे सो जाना। अज मेरे लिए बड़ा औखा आ जागते रहना, पर हले एक रात होर मैं इदा ही जागना है लगातार नॉन स्टॉप। जो प्लेन च नींद आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर तो जी मैं पहुंच गया एयरपोर्ट, बैग मेरा रेडी। सो फाइनली मेरी बोर्डिंग हो गई आ, एंड इमीग्रेशन हो गई, सिक्योरिटी हो गई, तो हुण मैं चला गेट वल। बहुत ज़्यादा लेट हो गए आप फ्लाइट बैठने, सिर्फ आधा घंटा रह गया मेरी फ्लाइट तुरन, और मैं बहुत लेट हाँ, मैंने दौड़ के ही पहुँचना पैना जिते मैं पहुँचना है, और मेरी फ्लाइट बहुत लंबी आ, 4 घंटे की इतों दिल्ली तो दोहा कतर, एंड दोहा कतर 3 घंटे की स्टे, तो उतों फिर सीधी 16 घंटे की सैन फ्रांसिस्को नूं, जाने कि अमेरिका नूं, दोहा टू अमेरिका बहुत लंबा सफर आ। नीयरली मैं अपने इतने इंडिया के घर तो लैके उत्थे घर तक पहुँचने 37 आवर्स लग जाने। सो इंजॉय करांगे फ्लाइट नूं भी, थोड़ी नींद भी ले लवांगे, क्योंकि 2 दिन लग जाने मैं पहुँचने जे देखा जाए तो। नॉन स्टॉप जागना है, जे नींद आ गई, वैसे तो मैं सो जाता हूँ फ्लाइट के छेती, पर देखो की बनता। कतर एयरलाइन की मेरी फ्लाइट है, तो मेरा गेट नंबर हैगा 9। मैं पहुँचना दौड़ दौड़ के, 2:30 हो गया रात दे, मैं सो जाता तुम्हें दस्या सी 8 बजे, तो 8 बजे सौन वाले बंदे का तुसी हाल देखो की होगा जो सवेरे 3 बजे तक जागना पै गया। मैं तो जहाज च बहते ही जाना सौ। मैं अपने गेट के कोल पहुँच गया, बोर्डिंग हो रही है, हम बैठना प्लेन दे विच, मैं चला प्लेन च बैठन लई। सो फाइनली मैं अपनी सीट पर पहुँच चुका, बैठ गया, लगता सी कि पहुँच नहीं होना, बहुत लेट हो गया सी। हुण सफ़र का नज़ारा लेना, इंजॉय करना सफ़र नूं, ते मेरी सीट तो बाहर का नज़ारा कुछ इदां दा आ। ये हैगा हुण दा व्यू एंड स्काई व्यू, तुहानूं मैं थोड़ी देर च दिखाना। सो मैं पहुँच गया जी दोहा कतर,
एंड इतों हूँ मेरी 3 घंटे की स्टे है। इस तो बाद मैं निकलना अमेरिका लई कतर एयरपोर्ट थोड़ी देर घूम के देखूँगा। लो जी मैं पहुंच गया दोहा कतर एंड इतने हूँ मेरी स्टे हैगी 3 घंटे की। 3 घंटे तो बाद मैं इतों चलना, मेरा जहाज़ चेंज होना सी इतों। पिछली फ्लाइट मेरी बहुत सोहनी रही, मैं पता ही नहीं मैं कितने पिया, मैं सुता आ गया सारे रास्ते। तो मैं इतने आ गया, उन्होंने उठाया कि उठ जा भाई जहाज़ जिहड़ा लैंड होने वाला। तो मैं फिर उठा और हूँ मैं अगली फ्लाइट नूं वेट कर रहा, पर मेरा गेट हले नहीं लग्या, इस करके मैं हूँ थोड़ा घूमना तो शॉपिंग शुपिंग करनी है। देखना कि अपना मिलता है, इतने मिले तो भी ठीक है। एक मैं अपना फोन नवा लेना आ, वह भी देखते हैं जो मिल गया इतों तो इतों ठीक है, नहीं अमेरिका तो आप जाके ला ही लेना। सो मिलते हैं अगे। लो जी मैं आ गया अमेरिका, पहुंच गया सैन फ्रांसिस्को। इमीग्रेशन होगी, मैं सुता आया जहाज़ च, मैंने कुछ पता नहीं। 16 घंटे सोच के डर लगता सी पहला कि इन्ना लंबा सफ़र है, कितना तय करांगे, नींद आऊगी या फिर कितना होगा, तंग होगा। बट इदां दा कुछ नहीं होया क्योंकि मैं सुता ही आया। मैं होर वीडियोज़ बनानियां सीगियां पर होर वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि मैं सुता उठा ही नहीं। तो बस इतने आया हुणे ते इमीग्रेशन हो गई आ, बैग मेरे को आ गया दोनों ही। तो हूँ घूमने की तैयारी है, बस हम मैं थोड़ा थोड़ा बाहर का दिखाना। तो उस बाद बाय बाय। लो जी जा रोनी पहुँच गया अमेरिका, तो सुखी भाई अपन आ गया लैंड। यस ये नवा नवा फ्रैश होया हूँ, ताज़ा। तो मैं हूँ थकिया पाया, मैं तैयार नहीं है, हिलिया पाया मैं, मेरा सरिया पाया, DSP होया पाया काम, DSP डेफिनेटली सरिया पाया अपना। ठीक है, मिलते हैं।